नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ। रामलीला मैदान में आयोजित रामलीला में हनुमान जी ने लंका में जानकी से भेंट करने के बाद राम के पास आए, जहां रामा दल में परम सम्मति से निर्णय लिया गया कि अब समुद्र को पार करके लंका पर चढ़ाई कर देनी चाहिए और भगवान राम, लक्ष्मण, जामवंत, हनुमान, सुग्रीव और सेना को लेकर समुद्र से रास्ता मांगने के लिए 3 दिन तक भगवान राम ने समुद्र के सामने बैठकर तप किया, फिर भी समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। जब भगवान राम ने क्रोधित होकर धनुष निकाला, फिर समुद्र देव ने भगवान राम को रत्न आभूषण देकर स्वागत किया। समुद्र देवता ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील दो भाई हैं, जिन्हें ऋषि के द्वारा श्राप प्राप्त है। वह जो भी पत्थर समुद्र में फेंकेंगे वह डूबेंगे नहीं, वह आपके पुल बनाने में सहायक होंगे। भगवान राम से आज्ञा लेकर नल और नील ने पत्थर फेंके और पुल का निर्माण किया। लंका पर चढ़ाई करने से पहले राम ने भगवान शंकर की पूजा की और रामेश्वर नाम दिया और आज रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। लंका में रावण के द्वारा भगवान शंकर की पूजा कराई गई और रावण ने राम से मांगा कि मैं आपके साथ युद्ध करूं और आपके हाथों मारा जाऊं। आइए आपको दिखाते हैं रामलीला की कुछ झलकियां। संवाददाता मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट।